दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर का साथ नाइंसाफी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर का साथ नाइंसाफी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। डीजल डीआरएम बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीजल डीआरएम बंद करो, बंद करो, बंद करो। सभी डीआरएम को रेगुलर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सभी डीआरएम को रेगुलर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी वन थर्ड को रेगुलर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, होशियार, होशियार। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, होशियार, होशियार। एडमिनिस्ट्रेशन का मनमर्जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मनमर्जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो। नमस्कार, मैं हूँ सपन विश्वास, अंडमान निकोबार न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मे डे का दिन है। आज CITU का जो इंडियन लीडर है श्री करीम भाई, आइए उनसे बात करते हैं। करीम भाई बोलिए। जी नमस्ते। मैं जो है आज मीडिया का माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार में आज हम लोग मे डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी के कंटिन्यू में हम लोग जो है हटबे लिटिल अंडमान में भी मे डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें मुख्यतः रूप से आज हमारा अंडमान निकोबार में जितना भी मजदूर, जितना भी काम करने वाले DRM से उनका साथ में जितना भी नाइंसाफी हो रहा है इसका अगेंस्ट में आज हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 6 महीने का पहले सुप्रीम कोर्ट एक आदेश पास किया था कि अंडमान निकोबार में काम कर रहे जितने भी DRM हैं, जो 2-10 साल पूरा कर रहे हैं, सबको रेगुलर करना। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का बाद भी 6 महीने का बाद भी आज 6 महीना पार हो गया, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर में कोई स्टेप नहीं लिया। तो इसका अगेंस्ट भी ये हमारा पहला एजेंडा है। और दूसरा बात यह है कि जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पंचायत डिपार्टमेंट है और इसी तरह की और भी डिपार्टमेंट है जिसमें से अभी तक का उनको 130 नहीं किया गया, जो काफ़ी साल से हमारे मजदूर भाई इसमें काम करते हैं और बहुत तकलीफ के साथ रह रहे हैं, लेकिन उसका बावजूद अभी तक उनको जो है 130 का स्टेटस नहीं मिला। और सीजनल वर्कर का नाम है, उनको 6-6 महीना बुलाना, 6-6 महीना काम कराना, अभी तक एरियर का पैसा नहीं मिला। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 2006 से लेकर आज तक एरियर का पैसा नहीं मिला। 2016 से 2018 का जब चेक कमीशन में उसका एरियर का पैसा नहीं मिला, तो मजदूर भाई अपना इलाज कैसे करेंगे, मजदूर भाई अपना घर परिवार को कैसे चलाएंगे। उनको वक्त का वक्त में एरियर का पैसा नहीं मिलता, उनको ठीक से सैलरी नहीं मिलता और उनको 6-6 महीने में बाहर कर देते, इसका वजह से उनका एज भी ज़्यादा हो गया। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है हम हमेशा इस तरह जो है रैली निकालते हैं और आज तो हमारा मजदूर दिवस है, सब में बड़ा दिन है मजदूरों का, इसको लेकर जो है आज हम लोगों का आज का दिन का जो प्रोटेस्ट है। तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे हमारे CITU का यूनियन लीडर करीम भाई जी का जुबान। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। ये साइड से भी ले लो लाइन, दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा मांगा सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इनसे जल्दी जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, होशियार, होशियार। लेफ्टिनेंट गवर्नर होशियार, होशियार, होशियार। मुख्य सचिव होशियार, होशियार, होशियार।
इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी डीआरएम को वन टच करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पंचायत वर्कर के साथ ना इंसाफ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डीआरएम वर्कर के साथ ना इंसाफ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेगुलर जल्दी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। रेगुलर जल्दी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1886 में 1886 में शिकागो शहर के अंदर में जब तक दुनिया के अंदर में मजदूरों का साथ बहुत नाइंसाफी होता था। सुबह से रात भर 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा काम कराते थे और पैसा भी नहीं देते थे, कोड़ा भी मारते थे। तो वो मज़दूर भाई लोग जो अपना खून बहाया, जहाँ से मेडे का शुरुआत हुआ, तो शिकागो शहर के अंदर में उन लोग बोल दिए कि 8 घंटे से ज़्यादा काम हम लोग नहीं करेंगे। क्या करें, मालिक लोग गोली चला दिए, उनको अरेस्ट करा दिए। लेकिन बाकी गवर्नमेंट का मदद से फिर एक नया कानून बना कि हर मजदूर 8 घंटा काम करेगा, जो हम लोग का भारतवर्ष में भी लागू हुआ, 8 घंटा काम करेंगे। इसी तो वही संदर्भ में वो 1 मई का दिन था जिससे कि ये मे डे का चलन शुरू हुआ और मे डे शुरू हुआ। मे डे में जो है हम लोग मे डे के दिन काम करते भी बगैर सैलरी के काम करते, नहीं ये बताओ, आज भी हम लोग काम करने से सैलरी नहीं मिलती, हालांकि ये तो हम लोग का मजदूर का दिवस। तो मे डे में क्या होता कि हम लोग हर मजदूर का भाई का आवाज़ उठाते। अभी पंचायत डिपार्टमेंट में कई साल से हम देखकर काम कर रहे हैं, मेरे भाई बहन लोग मजदूर लोग हैं, लेकिन अभी तक उनको 1/3 नहीं करा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आज भी 1/3 नहीं करा। सीजनल DRM बोल के 6-6 महीना लेता और बैठा देता। PWD में आज तक का एरियस तो अभी दिया, इतना साल का बकाया एरियस नहीं दिया और बोनस भी आज तक का नहीं दिया।
तो क्या उन लोग दिवाली नहीं बनाना, उन लोग दूसरा त्यौहार नहीं बनाना, उनको लिए दिवाली त्यौहार नहीं है क्या? सबके लिए है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का ढीला रवैया का वजह से आज हम लोगों को ये सब चीज़ नहीं मिला, और ये कैसा मिलेगा इसके लिए हम लोगों को आवाज़ उठाएंगे तभी मिलेगा। जब ये आवाज़ उठेगा, शोर बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगा, तब एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आएगा कि हम लोगों के साथ कितना जाना ही चाहती है। कोर्ट का आदेश तब भी आज भी हम लोगों को रेगुलर नहीं कर रहे, हालांकि इसके लिए फंड एलोकेट करो करके कोर्ट ऑर्डर कर दिया, फंड एलोकेट करो आप लोग, जो है एक स्कीम बनाओ और उसको कोर्ट में फ्रेम करो, इतना कोर्ट का आदेश हो गया। फिर 3 महीने का समय मांगा, फिर 3 महीने का समय मांगा, उसका बाद भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका ढीला रवैया का वजह से आज हम लोगों के साथ में इतना नाइंसाफी होते। इसी के लिए हम लोगों का यूनियन जो है CIT यूनियन जो इसका हमेशा से आवाज़ उठाता है और हमेशा से इसके पीछे लड़ता है, लेकिन क्या है बस ये एक दिन का नहीं है, इसको क्या हम लोग हमेशा कोई भी नाइंसाफी होगा तो हम लोग यूनियन के साथ जुड़े रहना, और इसके लिए मैं यूनियन लीडर होने के नाते आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सब बहुत अपना कीमती समय निकाल कर आ जाए, और मेरा मीडिया का भाई को भी धन्यवाद देता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट, तहसीलदार, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोग जो है हम लोगों को इतना सिक्योरिटी दी और जो है शांति का ये रैली निकला, इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसके लिए हम खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देते हैं, और हम सबको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग का कदम थी जो ये जुलूस जो है पूरा अंडमान निकोबार का साथ खड़बे में भी ये कामयाब हुआ, इसके लिए हम सब एक बार जो है खुद अपने लिए जोरदार ताली बजे। और इसी तरह से दोबारा कोई CIT में भी धूम धाम होगा, वहाँ से कुछ खबर आएगा तो हम लोग सारे एक साथ काम करेंगे, आज हम सब आवाज़ ही जो है आवाज़ एक साथ मिलेंगे, एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो जल्दी।